मैं हूं आपका दोस्त राजन शर्मा। दोस्तों, आज की ये हमारी पावर पॉइंट की 8वीं वीडियो है, जिसके अंदर मैं आपको इलुस्ट्रेशंस के जो ये ऑप्शंस है, पिक्चर, क्लिप आर्ट, फोटो एल्बम, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, ठीक है, इनके बारे में डिटेल में आज हम सीखेंगे ये किस तरीके से पावर पॉइंट में यूज होते हैं और कब इनका यूज हम कर सकते हैं पावर पॉइंट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इससे पहले कि ये टेबल इंसर्ट टेबल और यहाँ एडिटिंग, ड्राइंग, पैराग्राफ, फॉन्ट, क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, ठीक है, होम के जितने भी ये ऑप्शंस हैं, इन सारे ऑप्शंस की वीडियोस जो है मैंने अपने चैनल पर यहाँ पर अपलोड कर दी है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप ये वीडियोस देख लीजिएगा सारी, ठीक है, ताकि आपको होम के सारे फंक्शन जो है पहले समझ में आ जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इलुस्ट्रेशंस के ऊपर सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है वो है पिक्चर। पिक्चर का यूज पावर पॉइंट में क्यों होता है? दोस्तों, अभी जो हमारे पास स्लाइड है वो एक टेक्स्ट स्लाइड है, ठीक है, और पिक्चर सीखने के लिए हमें यहाँ पर टेक्स्ट स्लाइड नहीं चाहिए, हम यहाँ पर ब्लैंक स्लाइड लेंगे। तो पहले हम इस टेक्स्ट स्लाइड को यहाँ से करेंगे डिलीट और न्यू स्लाइड पर जाके यहाँ पर ब्लैंक स्लाइड पर क्लिक कर देंगे। अगेन इंसर्ट पर आते हैं। देखिए, अब हमारे पास क्या है, एक ब्लैंक स्लाइड है, यहाँ पर हमें पिक्चर को इंसर्ट करना है सबसे पहले। तो हम यहाँ पिक्चर्स पर क्लिक करेंगे और ये हमारी कुछ पिक्चर्स हैं, ठीक है, इसमें से जो भी पिक्चर्स आपको चाहिए वो आप ले लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर इस पे क्लिक किया और ये पिक्चर्स देखिए मेरे स्क्रीन पर यहाँ पर आ गई है। ठीक है, अब इस पिक्चर का क्या कर सकते हैं हम फ्रेंड्स? देखिए, इस पिक्चर्स के हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे आप फोन में भी अपने करते हैं ना, पिक्चर्स की फिल्टर चेंज करना, आप ब्राइटनेस बढ़ाना, कम करना, फ्रेमिंग करना, ठीक है, शेप में अलग अलग करना, ये सारी चीजें। तो जैसे जैसे मैंने यहाँ पिक्चर पर क्लिक किया, आप देखेंगे यहाँ फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट पर आप देखेंगे ये सारे ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर ओपन हो गए। ये ऑप्शन कब यूज होंगे, देखिए इस पिक्चर्स को थोड़ा सा हम पहले छोटा कर लेते हैं इस तरीके से। अब देखिए क्या है कि इस पिक्चर्स की अगर आपको फ्रेमिंग करनी है, मतलब कि फ्रेम करना है आपको, तो आप यहाँ ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे ये सब फ्रेम है। इसमें से जो भी फ्रेम आपको पसंद होगा उस पर आप क्लिक कर देंगे तो वो देखिए फ्रेम में चेंज हो जाएगा। जैसे हमारी पिक्चर देखिए, ये एक फ्रेम है पिक्चर का, ये हमारी पिक्चर चेंज हो गई। अगर इसके अलावा आपको दूसरा फ्रेम चाहिए तो आप इस फ्रेम में भी कर सकते हैं, और भी कोई फ्रेम चाहिए तो आप इसमें से फ्रेम जो है ये यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए आपको ये जो फ्रेम है इसके अंदर, इसके अलावा और दूसरे कोई फ्रेम चाहिए, मतलब इस फ्रेम में आपको नहीं लगाना, आपको कोई नया फ्रेम चाहिए, तो आप यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे। जब पिक्चर सेव पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये सब सेव जो है एज अ फ्रेम वर्क करेंगे आपके इस पिक्चर के ऊपर। जैसे कि किसी भी अगर आप फ्रेम इस पे पिक्चर सेव पर आप क्लिक करोगे तो वो यहाँ पर फ्रेम सेव में बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर इस पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर सेव जो है वो फ्रेम में चेंज हो गया, देखिए यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा आप इसको अगर मान लीजिए हार्ट में चेंज करते हैं तो देखिए ये हार्ट शेप में यहाँ पर पिक्चर जो है वो चेंज हो गई है। ठीक है, तो पिक्चर सेव क्या करेगा, आपके फ्रेम का काम करता है यहाँ पर पिक्चर के साथ। ठीक है, जिसकी आप फ्रेमिंग अपने पिक्चर सेव के अकॉर्डिंग यहाँ पर कर गए देख सकते हैं आप, एक एक करके क्लिक करके देख लीजिएगा, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अब मान लीजिए इस पिक्चर की जो ये आउटलाइन है, इसमें कोई आउटलाइन नहीं है, अगर आपको कोई आउटलाइन देना है तो आप यहाँ सिंपली पिक्चर बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और मान लीजिए ब्लैक कलर देना तो आप ब्लैक कलर पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए ब्लैक के इस पिक्चर के आउटलाइन जो है वो ब्लैक हो गई है। मैं थोड़ी सी इसकी जो आउटलाइन की साइज है वो थोड़ी सी मोटी कर देता हूँ, उसके लिए आपको यहाँ वेट पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से आप इसकी आउटलाइन कलर जो है वो चेंज मोटी करके देख सकते हैं। लाइनिंग देखिए आउटलाइन आपकी मोटी हो गई थोड़ी सी, ब्लैक आपको क्लियर नजर आ रहा है। ठीक है, अब यदि आपको ब्लैक कलर की जगह रेड कलर करना है, येलो कलर करना है या ग्रीन कलर करना है, जो भी कलर आपको पसंद है उस कलर पर आप क्लिक करके देख सकते हैं, ये कलरिंग जो है आउटलाइन की वो चेंज होती जाएगी। आपको याद रखना है इस पिक्चर पे ये क्लिक रहना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से आप साइज मोटा पतला कर सकते हैं इसके आउटलाइन का। ठीक है, और इसमें एक ऑप्शन और है फ्रेंड्स, ये है डेसेस। डेसेस का मतलब जो ये आउटलाइन है, अगर इस आउटलाइन को आपको डेसेस में करना है तो आप इस तरीके से यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो आपकी आउटलाइन है वो डेसेस में चेंज हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और मेरे क्लिक करने बाद देखेंगे कि जो ये इसकी आउटलाइन है वो डेसेस में चेंज हो जाएगी। कब? जब मैं यहाँ पर इसको पिक्चर को मान लीजिए मैं इसमें दूसरे शेप में कर देता हूँ तो आपको इजी समझ में क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ डेसेस पे क्लिक करके मैं डेसेस पे क्लिक करता हूँ तो एक सेकेंड डेसेस में इसको चेंज करते हैं, एक सेकेंड। तो डेसेस में चेंज करने के लिए आप इसको क्या करेंगे, पिक्चर बॉर्डर क्लिक करके यहाँ डेस पे जाएंगे और यहाँ से आप देखेंगे तो ये आपकी जो पिक्चर है इसकी डेसेस में पिक्चर जो हमारी चेंज होने लगी। अभी कुछ टाइम पहले पिक्चर चेंज हो रही थी लेकिन मेरा लैपटॉप जो था फ्रेंड थोड़ा स्लो हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर स्क्रीन पर आपको शो नहीं कर रहे थे डेसेस। ठीक है, अब यहाँ पर दिख रहा है। अब आप इसके जो आउटलाइन है थोड़ी सी और मोटी कर लीजिए और आप यहाँ से देखेंगे डैशेस जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से चेंजेस
कर सकते हैं। मैं इसका बिल थोड़ा सा और मोटा कर गया, और यहाँ से आप देखेंगे तो ये हमारे डेसेस हैं। जो भी डेसेस आपको चाहिए पिक्चर का, तो वो आप यहाँ पर इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। डेसेस के साथ आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, अगर जो आपको दूसरा कोई कलर चाहिए तो वो इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारी कलरिंग इस तरीके से जो है दोस्तों ये चेंज होती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा पिक्चर इफेक्ट। हम इसको नॉर्मल डेसेस को प्लेन लाइन में कर देते हैं और यहाँ पर आते हैं। देखिए, ये है हमारी पिक्चर इफेक्ट। पिक्चर इफेक्ट का क्या मतलब, जो हमारी पिक्चर है इसके अंदर कोई इफेक्ट लगाना। जैसे हम प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं, मान लीजिए हमने इस पे क्लिक किया, तो देखिए पिक्चर जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो गई। मैं थोड़ा सा यहाँ बड़ा कर देता हूँ, आपको क्लियर दिखेगा। ठीक, और हाँ, तो यहाँ पर आए पिक्चर इफेक्ट पे आए, हमने प्रोजेक्ट की जगह इस पे क्लिक किया, तो देखिए इसमें पिक्चर जो है वो डिफरेंट हो गया। अगर इस पे मैं इस इफेक्ट को यूज करता हूँ, तो इसमें मेरी पिक्चर जो है वो डिफरेंट हो जाएगी, देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो ये इफेक्ट्स है फ्रेंड्स, ये आप एक एक करके चेक कर सकते हैं सेल्फ भी। अगे नेक्स्ट इफेक्ट हमारा शेडो का है। शेडो में क्या है फ्रेंड्स, जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, तो एक ये मेरी इमेज है, और इस इमेज की जो शेडो है वो भी नीचे यहाँ पर बनी हुई आपको मिल जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हल्का शेडो आ रहा है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसकी शेडो ज्यादा लगाता हूँ आपको, जो इजी हो जाएगा समझने में। देखिए, अब आप देखेंगे इस पिक्चर के यहाँ पर गए, शेडो पे क्लिक किया और यहाँ क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे जो ये शेडो है यहाँ पर, ये नीचे नीचे देखिए हल्का जो है शेडो आपको यहाँ पर दिख रहा है। अगर आपको इस तरीके से क्लियर नहीं हो रहा है, तो हम इसकी इफेक्ट को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, आपको शेडो क्लियर हो जाए। देखिए ये साइड में जो है, ये आप देख रहे हैं इस साइड में, लेफ्ट साइड में आपकी ये शेडो जो है वो बने हुए आ गए फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये पिक्चर के पीछे क्या करता है, बेसिकली शेडो डाल देगा आपको। ऐसे क्लिक करेंगे तो देखिए ये ऊपर के साइड में ऐसे शेडो डाल रहा है। ठीक है, और ये कम क्यों दिख रहा है, कि उसे पिक्चर हमारी उस तरीके से, अगर पिक्चर को आप रोटेट करेंगे तो आपको शेडो जो है वो क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, देखिए ये हमारा इस साइड में शेडो है। ठीक, तो ये शेडो अगर आपको इसको ज्यादा दूर तक करना है, मतलब रिफ्लेक्शन में करना है शेडो को, तो हम इसे पहले नॉर्मल पे क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पर क्लिक करके आप जब रिफ्लेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे, तो देखिए एक पिक्चर आपकी ये है, और इसका रिफ्लेक्शन जो है आपके पिक्चर के, देखिए यहाँ पर नीचे ये आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा, ये रिफ्लेक्शन का काम करता है फ्रेंड्स। ठीक है, जो पिक्चर है उस पिक्चर में अगर आपको रिफ्लेक्शन करना है, तो आप यहाँ से रिफ्लेक्स कर सकते हैं। कितना चाहिए, किस हिसाब से चाहिए, वो आप यहाँ पर एक एक क्लिक करके देख सकते हैं, आपको क्लियर होता चला जाएगा वन बाय वन। अगेन हम इसको नॉर्मल कर देते हैं, और ये है ग्लो फ्रेंड्स। ग्लो क्या करता है, जो आपकी पिक्चर की आउटलाइन है इसके पीछे, मतलब आउटलाइन के साथ साथ ये ग्लो डाल देगा इस तरीके से। देखिए जैसे ये दिख रहा है ना पिंक कलर का, मैं थोड़ा सा पिक्चर बड़ा कर देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर के ये जो किनारे किनारे जो है ये ग्लो है। ठीक है, अगर इसका ग्लो थोड़ा सा और ज्यादा कर दें, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं क्लियर, तो आप देखिए ये पिंक कलर का जो ग्लो दिख रहा है ना, जहां पर पहले शेडो आ रहे थे, शेडो की जगह यहाँ देखिए आउटलाइन के साथ साथ ये पिंक कलर का ग्लो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये क्या करेगा, पिक्चर के आउटलाइन के साथ साथ ग्लो आपको दिखाएगा। ग्लो का जो कलर चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं, जैसा कलर है। अगर इसमें से कोई दूसरा कलर चाहिए, तो आप यहाँ मोर कलर पर क्लिक करके यहाँ से आप अपना ग्लो जो है वो ले सकते हैं, ग्लो कलर। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर जो है वो येलो कलर का ग्लो जो है वो पिक्चर के साथ साथ पर शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप ग्लो देख सकते हैं। अगेन हम इसको नॉर्मल कर देते हैं और इस पे आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सॉफ्ट एज। सॉफ्ट एज क्या है, कि जो हमारी ये पिक्चर है वो आउटलाइन देखिए बिल्कुल क्लियर है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी आउटलाइन जो है थोड़ी सी मतलब ब्लर टाइप में हो जाए, जैसे 2.5 पे मैं क्लिक करता हूँ, तो देखिए जो इसकी आउटलाइन है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, ब्लर हो जाएगी फ्रेंड्स। ठीक, अगर इसकी जगह मैं इसको थोड़ा सा, देखिए मेरा लैपटॉप जो है फ्रेंड्स थोड़ा सा स्लो है, जिसकी वजह से ये काम जो है वो स्लो कर रहा है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर सॉफ्ट एज पे 2.5 पे, देखिए तो ये जो है हमारी पिक्चर के साइड साइड में आप देखिए क्या कर रहा है, इसने ये ब्लर कर दिया पिक्चर के, जो आउटलाइन है वो थोड़ी सी गैप कर दी। तो इसका जो मतलब सिंपल ये है, कि जो पिक्चर का जो किनारा है उस किनारे को क्या करेगा, ये थोड़ा थोड़ा सा ब्लर करता चला जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो बेसिकली ये इसका काम होता है सॉफ्ट एज का। ठीक है, जितना आपको सॉफ्ट एज चाहिए वो आप यहाँ पर क्लिक करके यूज कर सकते हैं। अगेन हम इसको नो सॉफ्ट एज कर लेते हैं, और नेक्स्ट ऑप्शन हमारा बेवल। बेवल पे आप क्लिक करेंगे, तो ये बेवल क्या करता है, पिक्चर की जो शेप स्टाइल है इसको चेंज करता है। जैसे पिक्चर थोड़ी सी उठी हुई चाहिए, दबी हुई चाहिए, अंदर चाहिए, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे इस पे क्लिक किया, तो देखिए पिक्चर जो है वो थोड़ी सी अलग आ गई। मैं थोड़ा साइज इसका बड़ा कर देता हूँ और क्लियर हो जाएगा आपको। अगेन मैं इस पर बबल पे क्लिक कर गया और मैं इसको करता हूँ, देखिए आप पिक्चर जो है उठी हुई है। अगर आपको स्क्रीन पर सही से नहीं समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, मेरा लैपटॉप थोड़ा सा स्लो है, इस वजह से थोड़ा धीरे वर्क कर रहा है। आप जब अपने सिस्टम पे करेंगे तो आपको ये क्लियर होता चला जाएगा दोस्तों। ठीक, और आप दूसरा भी यूज करके देख सकते हैं, ये देखिए इससे जो शेप है वो अलग हो जाएगा।
ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा मोटा, 3D टाइप में थोड़ा सा मोटा हो जाता है, ठीक। और एक लास्ट हमारा 3D रोटेशन है, मतलब जो हमने हमारी जो ये पिक्चर हमने ले रखी है उसको 3D में रोटेट करना है इस तरीके से। तो देखिए ये पिक्चर जो रोटेशन जो है वो इस तरीके से क्या हो रहा है, चेंज होता चला जा रहा है। और दूसरा रोटेशन आपको चाहिए तो आप यहाँ से दूसरे तरीके से भी रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको जिस तरीके का रोटेशन चाहिए वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं एक एक करके, ठीक है। जब आप ये यूज करेंगे अपने सिस्टम पर तो आपको और ज्यादा अच्छे से ये क्लियर होता चला जाएगा वन बाय वन सारे पार्ट, ठीक है दोस्तों। तो ये था फ्रेंड्स हमारा पिक्चर और बॉर्डर शेप, और ये मैंने सारी चीजें आपको बता दी। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पर ब्राइटनेस। देखिए ब्राइटनेस सिंपल आपको पता ही है कि जो आपकी पिक्चर है इसकी पिक्चर की ब्राइटनेस बढ़ानी है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, देखिए ब्राइटनेस बढ़ गई है। अगर ब्राइटनेस कम करना है तो आप यहाँ से कम भी कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम इसको नॉर्मल कर देते हैं जैसा हमारा था। और ये हमारा कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट का जो है आपको बढ़ाना है, जैसे यहाँ से मैंने 40 कर दिया तो देखिए इसका कॉन्ट्रास्ट जो है वो बढ़ गया। कलर कम करना है तो आप यहाँ से कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज सारी चीजें आप अपने मोबाइल में भी करते होंगे अपने फोन के साथ, सॉरी फोटो के साथ, तो आप यहाँ पर भी वो सारी चीजें कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये आपका रिकलर है, अगर आपको ये कलर दूसरे कलर में चाहिए तो आप इस तरीके से इस पिक्चर के कलर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं चेंज हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आप पिक्चर कंपेयर कर सकते हैं, अगर कोई पिक्चर आपने ले रखी है या वहां कर रखा है तो उससे, ठीक है। फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ और मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। ये है चेंज पिक्चर, मान लीजिए इस हार्ट में जो पिक्चर है इसकी जगह पर कोई दूसरा पिक्चर चाहिए, मान लीजिए पेंगन से, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा तो इस हार्ट में कौन सी पेंगन की जो पिक्चर है वो देखिए इस तरीके से जो होगी वो एड हो जाएगी, ठीक है। अब जो भी आपने यहाँ पर एडिटिंग कर रखी है, डिजाइन कर रखा है, अगर ये सब कुछ नहीं चाहिए आपको सिंपल, तो आप रिसेट पिक्चर पे क्लिक कर दीजिए। तो नॉर्मली क्या होगा, जब आपकी पिक्चर जैसी आपने स्टार्टिंग में ली थी सेम उस शेप में आपकी यहाँ जो पिक्चर है वो आ जाएगी, मतलब जो भी आपने एडिटिंग कर रखा है वो सब क्या हो गया, देखिए यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है। नॉर्मल शेप में आपकी जो पिक्चर है वो आपके सामने आ गया रिसेट करते ही, ठीक है दोस्तों। तो ये यूज है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा है, इसमें क्रॉप का ऑप्शन है, ठीक है। क्रॉप भी समझ लेते हैं क्या है। देखिए क्रॉप का मतलब है कि जो पिक्चर है हम चाहते हैं कि जो इस पिक्चर के साइड में जो ये स्पेस है ये नहीं चाहिए, इतना स्पेस नहीं चाहिए साइड का, तो आप इस पिक्चर पे क्लिक करेंगे और बेसिकली आप इसको क्रॉप कर लेंगे इस तरीके से। देखिए तो जो ये साइड वाला जो जो स्पेस था वो यहाँ से क्रॉप हो गया, मतलब कि खत्म हो गया और सिर्फ पिक्चर पिक्चर यहाँ पर आपकी आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट ये रोटेशन है, आप इससे पिक्चर को इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से फ्लिप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। ये जब आप क्लिक करके देखेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारी चीजें जो है साथ के साथ क्लियर होती चली जाएगी दोस्तों, ठीक है। बाकी इसमें और कुछ खास है नहीं, इससे आपकी जो पिक्चर की जो है वो साइज बड़ा होता है और इससे छोटा होगा, और इससे इसकी ब्रीथ बड़ी होगी और छोटी होगी, ठीक है। सेम ये चीज है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको फॉर्मेट के सारे ऑप्शन जो है वो क्लियर हो गए हैं। अगेन इंसर्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फ्रेंड्स क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट का क्या काम है, देखिए क्लिप आर्ट्स के अंदर क्या होता है, कुछ फोटोज होती हैं, जैसे हम यहाँ गए और आप यहाँ पर अगर टाइगर की फोटो चाहिए तो आप यहाँ टाइगर लिखेंगे और गो पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, टाइगर की फोटो यहाँ पर आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं टाइगर की फोटो आ गई। अब ये टाइगर की फोटो आपको अगर यहाँ चाहिए तो आप क्या करोगे, सिंपली इस टाइगर पे क्लिक कर देंगे। जब टाइगर पे क्लिक कर देंगे तो ये टाइगर की फोटो आपको यहाँ पर मिल जाएगी दोस्तों इस तरीके से, ठीक है। आप इसको बड़ा छोटा इस तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए टाइगर के अलावा आपको ये देखना है कि और कौन कौन सी फोटो है इसके अंदर, सारी फोटोज आपको देखनी है एक साथ, तो कैसे देखेंगे, सिंपली आप नीचे आएंगे इसी राइट हैंड पे, यहाँ देखिए ऑर्गेनाइज क्लिप लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ ऑर्गेनाइज क्लिप पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर एक आपको डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, अभी हो प्रोसेस में हो रहा है, ये देखिए ये हो गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ लिखा है ऑफिस कलेक्शन, ऑफिस कलेक्शन में यहाँ पर एक प्लस का साइन आ रहा है लेफ्ट साइड में, आपको इस प्लस के साइन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ऑफिस कलेक्शन के अंदर जितने फोल्डर्स थे पिक्चर के वो सब आपके सामने ओपन हो गए हैं, ठीक। ये जो भी फोल्डर्स हैं इन सबके अंदर देखिए पिक्चर्स है, आप क्लिक करके वन बाय वन चेक कर सकते हैं किसके अंदर क्या क्या फोटो है, किस किस चीज की। ये आप सेल्फ देखिएगा, अगर मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम जो है खराब होगा दोस्तों, ठीक। आप इजिली तरीके से इसे देख लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिलहाल हम इस टाइगर पे करते हैं क्लिक, इतना है इसके अंदर। वापस जाते हैं क्लिप आर्ट के अंदर, ये पिक्चर हमने क्लिक कर दिया। अब इस पिक्चर में आपको शेप वेप करना है, शेप चेंज और बॉर्डर ऑर्डर, ये सारी चीजें मैंने आपको अभी बताई है पीछे, तो वही सेम चीज यहाँ पर आप पिक्चर में कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप इसका शेप चेंज कर सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं, डिजाइन विजाइन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है क्लिप आर्ट के अंदर जो पिक्चर है उसको आप बेसिकली जैसे कोई पीपीटी बना रहे हैं या कोई पिक्चर्स बना रहे हैं या कोई एनिमेशन के लिए आपको भी पिक्चर चाहिए तो क्लिप आर्ट के अंदर जो है अगर वो आपको चाहिए तो आप यहाँ से क्लिप आर्ट से ले सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक। अगेन हम इसको डिलीट कर देते हैं और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है।
नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों हमारा फोटो एल्बम। देखिए फोटो एल्बम पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये जो स्लाइड है इस स्लाइड के अंदर आपको अगर कोई फोटो ऐड करनी है तो वो आप यहां से फोटो एल्बम से कर सकते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए फोटो एल्बम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर न्यू फोटो एल्बम पे आ गया, एल्बम बनाने के लिए कह रहा है। एक बॉक्स आपके सामने इस तरीके से ओपन हो गया फोटो एल्बम का। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है पिक्चर इन एल्बम और यहाँ प्रीव्यू, मतलब जो भी पिक्चर आप लेंगे वो यहाँ पर नाम दिखाएगा उसका और यहाँ पर उसका प्रीव्यू दिखाएगा। करके देखते हैं, इजी हो जाएगा। फाइल टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए कोयला में क्लिक किया और ओके कर दिया, तो देखिए ये कोयला यहाँ लिखा आ गया और ये उसकी जो है पिक्चर यहाँ पर आ गई है दोस्तों। ठीक है, अब उसका देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आना ऑल पिक्चर ब्लैंक एंड व्हाइट। जो ये पिक्चर है इस पिक्चर को अगर आप कलर से ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस पिक्चर को जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है। ठीक है, तो पिक्चर को ब्लैक एंड व्हाइट के लिए और कलर के लिए आप यहां से चूज करके देख लेंगे। और इसमें देखिए यहाँ लिखा है पिक्चर लेआउट में जब आएंगे तो यहाँ पिक्चर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से ये ऑप्शन है। ये क्या है, जैसे कि जो ये आपकी स्लाइड है सामने, अगर आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही पिक्चर चाहिए पूरे स्लाइड में फिट, तो आप इसी फिट टू स्लाइड पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए जो आपकी पिक्चर है वो यहाँ पर देखिए ये स्लाइड पर दूसरी स्लाइड पर आ गई है। ठीक है, और ये पूरी स्लाइड के साथ साथ क्या हो गया एकदम सेट है। देख लेकिन मान लीजिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर एक की स्लाइड पर दो फोटो चाहिए, तो आप क्या करेंगे सिंपल आप फाइल टेक्स्ट पर जाए, जो भी पिक्चर चाहिए आप इस पर क्लिक करें, ब्लैक एंड व्हाइट आप यहाँ से देख सकते हैं करना है या नहीं। ठीक है, फिलहाल मैं इसको कलर में रहने देता हूँ और यहाँ पर ये हमारी एक ही प्रीव्यू आ रहा है। अब यहाँ पर फिट टू स्लाइड की जगह मान लीजिए मुझे दो पिक्चर चाहिए तो मैं यार पिक्चर टू पे क्लिक करूंगा, तो आप देखेंगे यहाँ प्रीव्यू स्लाइड में दो चीज दिखा रहा है, एक पिक्चर और दूसरी ये, मतलब इस स्लाइड में एक पिक्चर इस साइड आ जाएगी और दूसरी पिक्चर आपके इस साइड, मतलब एक राइट में और एक लेफ्ट में पिक्चर आएगी। ये पिक्चर हो गई, इसी पिक्चर के ऊपर इंसर्ट पे जाइए और एक दूसरे पिक्चर पे क्लिक किया और हमने इंसर्ट कर दिया। तो देखिए दो पिक्चर हो गए, पहला हमारा ये है दूसरा हमारा ये है। ठीक है, पिक्चर इन एनवलप में आप इनके नाम देख रहे हैं और यहाँ पर आप इनका प्रीव्यू देख रहे हैं। ठीक, अगर इन पिक्चर के रोटेशन आपको करना है फ्लिप करना तो आप यहाँ से पिक्चर जो रोटेशन जो है वो चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक, यहाँ से आप इस तरीके से यहाँ से कलरिंग वलरिंग देख सकते हैं, आप ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हैं, ये आप सेल्फ करके देखिएगा। ठीक, फिलहाल मैं इसको इसी तरीके से रहने देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि जो ये नेम है पिक्चर एल्बम के, ये इन पिक्चर के नीचे चाहिए आपको या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो आप पिक्चर बिलो ऑल पिक्चर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, नेम पे नहीं चाहिए तो आप इसको अनटिक रहने देंगे, हमें चाहिए तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, जैसे यहाँ पर दो पिक्चर की जगह मान लीजिए चार पिक्चर चाहिए तो आप यहाँ पर फोर पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो प्रीव्यू देखेंगे आप फोर पिक्चर का आ गया है। ठीक है, फिलहाल मैं दो पे दिखाता हूँ आपको, दो पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक कर दिया है। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट मुझे नहीं चाहिए, मेरे को कलर में चाहिए, तो इसलिए मैंने अनटिक कर रखा, क्रिएट पे क्लिक किया। तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास क्या हो गई, दो पिक्चर हो गई। पहली पिक्चर ये है जिसका यहाँ पर किसका मम यहाँ जो है इसका नाम लिखा हुआ है और दूसरा पिक्चर ये और इसका नाम यहाँ पर पेंगन जो है वो ये यहाँ लिखा हुआ है। मान लीजिए इसी पिक्चर पर मुझे चार पिक्चर चाहिए एक ही स्लाइड पर, तो सिंपली आपको वही करना है, जैसे क्या करना है एडिट फोटो एल्बम पे जाएंगे और यहाँ टू पिक्चर की जगह फोर पिक्चर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से आप एक और लाइट हाउस को आप ऐड कर लेंगे और यहाँ पर आपने मान लीजिए जेली फिश को भी ऐड कर लिया। ठीक है, तो ये और हमने चार पिक्चर ऐड कर लिया और यहाँ अपडेट पे क्लिक कर देंगे तो देखिए क्या हुआ, दो पिक्चर हमारे पास ऑलरेडी ये थी और दो पिक्चर और हमने ऐड कर लिया, मतलब सेम स्लाइड पर आपको एक पिक्चर चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, चार चाहिए, पांच चाहिए, वो आप यहाँ पर एडिट एल्बम में जाकर सारी चीजें देख सकते हैं। ठीक है, ये फ्रेम शेप है, आपको रेक्टेंगल में चाहिए, राउंड रेक्टेंगल में चाहिए या सिंपल फ्रेम में चाहिए या फिर सिंपल फ्रेम ब्लैक पे चाहिए, ये सारी चीजें आप यहाँ से चेक कर लेंगे एक एक करके। ठीक, फिलहाल हम इसको इसी पर रहने देते हैं, मैं आपको एक राउंड रेक्टेंगल पर क्लिक कर देता हूँ सिर्फ, आप देखेंगे ये जो कोना है पिक्चर का ये जो है यहाँ पर राउंड हो जाएगा। ठीक है, अभी ये जैसे रेक्टेंगल है बिल्कुल चकोर है तो यहाँ पर थोड़ा सा राउंड हो जाएगा, गोल में हो जाएगा, इस पर क्लिक करके अपडेट कर दीजिए बस। देखिए तो आप देखेंगे कि जो पिक्चर है इस पिक्चर की जो ये कोना है आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो गया, ये राउंड हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप यहाँ पर फोटो एल्बम भी बना सकते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर। आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अगर ये सारी फोटो आपको ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए तो यहाँ पर ऑल पिक्चर पर क्लिक कर देंगे ब्लैक एंड व्हाइट पर और अपडेट पर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे ये सारी के सारी जो पिक्चर है वो ब्लैक एंड व्हाइट में यहाँ पर आ गई है। आई होप कि आपको पिक्चर एल्बम भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा सेव। सेव का क्या बेसिकली क्या काम है, देखिए जैसे हमारे पास ये फोटो एल्बम के लिए स्लाइड है, मैं यहाँ पर एक और नई स्लाइड ले लेता हूँ, उसके लिए मेरे को करना ये है
आप यहाँ न्यू पे जाएंगे सिंपली, ठीक है। आपको यहाँ न्यू फॉर्म पे क्लिक करना है और यहाँ न्यू स्लाइड पे क्लिक करके आप यहाँ से स्लाइड ले लीजिए। मैं ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए स्लाइड मैंने ले ली, अब यहाँ पर दोबारा इंसर्ट पे आ गया सेव। देखिए ये है सेव। अब मान लीजिए सेव से आपको कोई यहाँ पर डायग्राम बनाना है, कोई पिक्चर्स बनानी है, क्रिएट करना है, तो आप यहाँ सेव के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, चाहे जो भी आपको। से मान लीजिए मुझे एक हार्ट बनाना, तो मैंने यहाँ से एक हार्ट ले लिया, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये अलग से एक सेव है जो आप ले सकते हैं। इसके अंदर आपको कुछ टाइप करना है तो आप सिंपली इस तरीके से टाइप भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर और यहाँ से आप देखिए ये जो है आप इस तरीके से इसके अंदर हार्ट के अंदर टाइप कर सकते हैं। जो भी कुछ भी आपको टाइप करना होगा वो टाइप कर सकते हैं। इसका साइज जो है वो बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। इसकी कलरिंग चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इसको हम आगे सीखेंगे सेव के अंदर, जब मैं आपको टेक्स्ट लिखना बताऊंगा तो, क्योंकि वीडियो फ्रेंड बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। नहीं तो सेव समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट किस लिए यूज होता है, जब आपको जैसे अपने पावर पॉइंट में कोई पीपीटी बनाना है, कोई प्रेजेंटेशन बनाना है, और उसके लिए आपको स्मार्ट आर्ट मतलब कि इस सेव के अलावा कोई दूसरे तरीके के सेव चाहिए होंगे, तो वो आप यहाँ से चूज करके ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई भी शेप मैं आपको एक उठा के दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये ले लिया कलरिंग और इस पर ओके किया, तो ये शेप मेरे पास देखिए यहाँ पर आ गया। अब इस शेप्स के अंदर क्या क्या ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर टेक्स्ट है, यहाँ फोटो है, टेक्स्ट है, फोटो है, टेक्स्ट है, फोटो है। दैट मीन्स कि यहाँ पर आप इसी शेप्स के अंदर यहाँ पर आप पिक्चर लगा सकते हैं और उस पिक्चर का यहाँ नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर पिक्चर पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैंने डिजर्ट पर क्लिक करके और यहाँ पर इस पिक्चर का नाम मैंने ए दे दिया मान लीजिए, ठीक। दूसरी पिक्चर पे क्लिक किया और यहाँ पर मैंने पेंडेंट्स को लिया और इसका मैंने नाम जो है पिक्चर का डी दे दिया। तीसरी पिक्चर पे भी क्लिक करेंगे और मैंने यहाँ पर मान लीजिए जेलीफिश पे क्लिक किया, ओके किया और इसका नाम मैंने सी दे दिया, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, इस शेप्स के अंदर ऑलरेडी ये शेप्स डिजाइन मेरे पास बने हुए हैं, इसके अंदर मैंने क्या किया एक एक पिक्चर एड कर दी और यहाँ पर इनके नाम ए बी सी डी करके मैंने दे दिया। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ये है कि अगर आपको ये तीनों स्लाइड तीनों पिक्चर के जो ए बी सी डी जो स्लाइड्स की तरह जो दिखाई दे रही हैं आपको, अगर इनका कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कलरिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि पहले का कलर ये है, दूसरे के है, तीसरे के है, ठीक है। तो यहाँ से आप कलरिंग देख सकते हैं एक एक करके सब। और अगर आपका इनका जो है स्मार्ट आर्ट का जो स्टाइल चेंज करना है तो आप यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अगर आपको पिक्चर इस तरीके से चाहिए, ऐसे स्टाइल में चाहिए, इस स्टाइल में चाहिए, जो भी स्टाइल आपको इसमें से चाहिए होगा उस पर आप क्लिक करके चेंज करके देख लीजिएगा, ठीक। ओके, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, या आप चेक कर लेना, ठीक है। और दूसरी चीज एक चीज और यहाँ देखते हैं, मान लीजिए इसी ए बी सी डी जो पिक्चर है इसमें आपको दूसरा कोई अगर स्मार्ट आर्ट चाहिए तो आप यहाँ से क्लिक करके वो स्मार्ट आर्ट चेंज कर सकते हैं। देखिए जहां पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ नाम लिखे हुए आ रहे हैं। क्यों लिखे आ रहे हैं कि इसके अंदर पिक्चर्स लगाने का जो ऑप्शन है वो नहीं है, इसलिए यहाँ पर देखिए ए बी और सी जो है यहाँ पर नाम लिखा आ रहा है, ठीक है। तो जिस शेप्स के अंदर पिक्चर लगाने का ऑप्शन होगा सिर्फ उसी शेप में आप पिक्चर लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो सिर्फ नाम लिखा हुआ आएगा जैसे ये लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा स्मार्ट आर्ट, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया सारा। फॉर्मेट के बारे में हम बात नहीं करेंगे अभी, बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, ठीक है। एक लास्ट ऑप्शन इसका बचा है वो भी देख लेते हैं, ये हमारा चार्ट। चार्ट ऑप्शन क्या करता है, हम इसको पहले डिलीट कर देते हैं, या मैं यहाँ से एक नई स्लाइड ले लेता हूँ, आपको यहाँ दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से अगेन ब्लैंक स्लाइड ले ली, अब यहाँ देखिए ये चार्ट ऑप्शन। चार्ट ऑप्शन क्या करता है फ्रेंड्स, मान लीजिए एक्सेल पे आपकी कोई सीट हो, इस चार्ट को आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे अगर आपने मेरी चार्ट वाली वीडियो जो है वो एक्सेल की देख रखी हुई, तो वो आपको पाए चार्ट के नाम से या चार्ट के नाम से आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक्सेल में चार्ट वीडियो देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मैं आपको एक डेमो से समझाता हूँ। आप यहाँ चार्ट पे क्लिक करेंगे और चार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये जो है कॉलम्स, ये चार्ट जो है वो आ गए, ठीक है। अब आपको कॉलम्स चार्ट चाहिए, लाइन चार्ट चाहिए, पाई चार्ट, बार चार्ट, ये सारे एक एक करके चार्ट हैं। फिलहाल मैं इसको एक चार्ट कोई सा भी यूज कर लेता हूँ। जैसे मैंने इस चार्ट पे क्लिक किया कॉलम चार्ट पे और ओके किया, तो ये मेरी एक्सेल की जो डायरेक्ट जो सीट है वो एक डेमो के तौर पर यहाँ पर ओपन हो गई है, ठीक है, सॉरी ओपन हो रही है। अब देखिए इस सीट्स के अंदर होगा क्या, जैसे कि मेरी जो एक्सेल की सीट है आप देख रहे हैं यहाँ पर कैटेगरीज 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ, सीरीज लिखे हुए आ रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए जो कॉलम्स है ये बने हुए हैं। मतलब ये कॉलम क्या कर रही है, कॉलम एक तरह से मान लीजिए कि ये कुछ नाम है और ये उनकी सेल्स है, सीरीज 1, 2, 3, 4 करके सीरीज जो है इनकी क्या है, सेल है। तो ये दिखा रहा है कि जो सीरीज कैटेगरी 4 जो है इसकी जो जो ग्रीन कलर जो है, ग्रीन कलर मतलब सीरीज 3 जो है वो सबसे ज्यादा सेल करने के लिए, मतलब सेल्स परसेंटेज को दिखाने के लिए आप यहाँ पर कॉलम्स का यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर 4.4 को 10.5 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि जो हमारा यहाँ पर जो कैटेगरीज है मतलब जो चार्ट का पैराग्राफ है वो बिल्कुल हमारा चेंज हो गया। अब देखिए कैटेगरीज 2 के अंदर हमने चेंजेस किया था सीरीज 2 में, तो आप देखिए सीरीज 2 में यहाँ पर कैटेगरी रेड, सीरीज 2 रेड कलर में है, तो आप देखिए इसकी जो सेल है वो सबसे एक तरह से सबसे ज्यादा दिखा रहा है, ठीक है।
इसके बारे में ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, ये मैंने एक्सेल में आपको डिटेल में समझा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप यहाँ चैनल पर आकर वो सारी वीडियोस जो हैं वो एक्सेल की देख सकते हैं, आपको जो चार्ट है वो क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स वन बाय वन करके। ठीक है, आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको जो सारे पार्ट्स हैं जो मैंने आपको समझाया वो इजिली समझ में आ गए हैं। दोस्तों अगर आपको, देखिए मेरे किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट्स होता है या कोई ऐसा ऑप्शन है जो आपको नहीं समझ में आया हो, तो आप सिंपली उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में नीचे आएं और अपने डाउट्स को लिखकर मुझे बताएं। मैं जब भी आपके डाउट्स को देखूंगा उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। हाँ, अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिलती रहेंगी और आप उन वीडियोस को देखकर बहुत सारी चीजें आपको कंप्यूटर के अंदर सीखने को मिलेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियोस के साथ। आज के लिए इतना ही।